आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने किसके बारे में बात किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, किसके बेसिस पे था वो, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रल। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बारे में बात किया था। मीजोस्फीयर जो है वो कोल्डेस्ट और कीमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पीछे जो अभय राठौड़ बैठा हुआ है वो बताएंगे कि मीजोस्फीयर का जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। टेम्परेचर ऑफ मीजोस्फीयर इन डिग्री सेल्सियस, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ मीजोस्फीयर इन डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 173 डिग्री केल्विन। फारेनहाइट में -148 डिग्री फारेनहाइट। हाथ में क्या हो गया, कहीं काटने वाटने का तो वो काम नहीं था, कलाई उलाई तो नहीं काटी ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमने थर्मोस्फीयर के बारे में बात किया था। थर्मोस्फीयर की कौन सी लेयर के अंदर जो है हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होते हैं एक्सोस्फीयर के अंदर, और आयनोस्फीयर किसे कहा जाता है, लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर को कहा जाता है। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन जोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन इज द इट इज द रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज अ क्वांटा और फोटोन कहा जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पर रेडिएशन कितने प्रकार की थी, अगर हम बात करें जनरली थ्री टाइप्स की। कौन कौन सी, डायरेक्ट, डिफ्यूज, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। किसे एल्बिडो कहा जाता है, विश्नोई। परमलेट का एल्बिडो कितना होता है, हाँ, प्रधानमंत्री कौन से ईयर तक रहेंगे, तो पीएम का कितना होगा, 24 होगा। चलिए, इसके बाद में हमने रेडिएशन के अंदर जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ की बात की थी। स्पेक्ट्रल लेंथ के बेसिस पर रेडिएशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, थ्री टाइप्स। कौन कौन सा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, और थर्ड कौन सी है, इंफ्रारेड रेडिएशन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनकी स्पेक्ट्रल लेंथ कितनी होती है, 0.39 क्या माइक्रोन मीटर। अगर हम नैनोमीटर में बात करें तो 390 नैनोमीटर। ठीक है, याद रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 390 है या 400 है, दोनों में से एक चीज मिलेगी। अगर मैं बात करूं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, थ्री टाइप्स। कौन कौन सा, ए बी और सी। किसकी वेवलेंथ जो है 100 से 280 नैनोमीटर होती है, सी की। बी की कितनी होती है, -200 से 280 से 315 से 400। सबसे हार्मफुल अगर हम बात करें तो कौन सी रेडिएशन होती है, सी होती है। सी रेडिएशन होती है ना, सी नहीं होती है, सी रेडिएशन होती है। चलिए, इसके बाद में हम आज के इस क्लास के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है। टोटल रेडिएशन का कितना परसेंट, 44%। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कितनी होती है, 7%। मिस्टर सानिध्य गौतम थोड़ा सा, चलिए अगर हम बात करें इंफ्रारेड रेडिएशन की तो कितने परसेंट होती है, 48। उस 48 को 49 कर लेना। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, कल हमने 48 लिखा था, उसको आप 49 कर लेना। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है 49। पीआर की अगर मैं बात करता हूं तो पीआर के अंदर विब्जोर होता है, और विब्जोर के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स जो है यहां पर मेंशन करना है। थोड़ा सा शांत हो जाओ। पीआर के अंदर अगर हम बात करें तो इन फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन करती है कौन सी लाइट करती है, रेड लाइट। और सेकंड नंबर पर कौन सी है, ब्लू लाइट। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और सेकंड नंबर पर क्या है, रेड लाइट। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपके प्रीपीजी 2022 के अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ
परसेंटेज ऑफ पीआर, परसेंटेज ऑफ पीआर एब्जॉर्बेड बाय टॉप क्रॉप कैनोपी ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन, ऑप्शन था फर्स्ट वन 40%, बी ऑप्शन था 30%, सी ऑप्शन था 20% और डी ऑप्शन था 10%. राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि पीआर जो है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 44%. तो 44% है ना, ठीक है. तो इनमें से लगभग आपको कौन सा लग रहा है? 40%. तो अगर आप लोग भी यहाँ पर होते तो कौन सा ऑप्शन टिक करते? 40%, ठीक है, जो कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है, गलत आंसर है. इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, 30% है. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने अभी हमें बताया कि जो टोटल रेडिएशन होती है, टोटल सोलर रेडिएशन होती है, उसके अंदर तो पीआर कितनी होती है, 44% होती है. 44 का क्या आ रहा है यहाँ पर, 40% आ रहा है. तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 40. लेकिन आप बोल रहे हो कि राइट आंसर क्या माना गया है, 30%. अब ये 30% क्यों माना गया है, इसका हम रीजन देखते हैं, ठीक. एक बार ध्यान से समझना, जब भी हम किसी क्रॉप प्लांट की बात करते हैं, मान लीजिए सन से जो रेडिएशन आ रही है वो कितनी, 100% रेडिएशन आ रही है, सॉरी 100% रेडिएशन आ रही है, कितनी आ रही है, 100. टोटल इनकमिंग रेडिएशन कितनी हो गई, 100. दैट इज क्लियर. इसके बाद में यदि हम प्लांट के अंदर बात करते हैं, तो प्लांट के अंदर जो 100% रेडिएशन है उसका जो एंटर करता है केवल कितनी करती है, 75% रेडिएशन ही क्या करती है, प्लांट के अंदर एंटर करती है. तो यानी ये इंटरसेप्टेड रेडिएशन कितनी हो गई, इंटरसेप्टेड रेडिएशन 75% हो गई. दैट इज क्लियर. यहां पर जो लॉस हुआ है वो लॉस कितना हुआ है, 25%. दैट इज क्लियर. इसके बाद मैंने आपको बताया कि टोटल रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं, जनरली हमने कहा कि टोटल रेडिएशन जो होती है, उन टोटल रेडिएशन में जो यूवी रेज होती है वो कितनी होती है, 7% होती है. पीआर जो होती है वो 44 होती है, और हमने कहा इंफ्रारेड जो होती है 49% होती है. ये चीज क्लियर है. अभी मैंने कहा कि पीआर जो है वो कितनी है, 44% है. अप्रोक्स जो है कहा जाता है कि ये 44 या फिर इसकी रेंज जो है 42-44 होती है. रेडी एंड रेडी के थर्ड चैप्टर में आप देखोगे इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन क्रॉप, उसके अंदर पीआर जो है वो 28% दिया हुआ है. यानी इनका भी क्या दिया हुआ है, एक एवरेज दिया हुआ है. लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए और ऑप्शन में 44 हो तो आपको टिक क्या करना है, 44 करना है. यहाँ पर 44 की जगह 40 इसलिए माना गया है क्योंकि व्हाइट लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है, इस वजह से उसका 4.4% जो है यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है. ऑप्शन में अगर 44 हो तो आपको राइट क्या करना है, 44 करना है. ऑप्शन में अगर 40 हो, 44 नहीं हो तो क्या करना है, 44 करना है. दैट इज क्लियर. अब हमने कहा कि यहाँ पर टोटल रेडिएशन हमारे लिए कितनी हो गई, 75 के अंदर जो है हमारी पीआर कितनी होती है, 40% होती है. कितनी होती है भाई, जनरली हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कितनी परसेंट पीआर जो है, यहाँ पर मान रहे हैं हम कि 40% होती है. कितनी होती है, 40%. तो इसका मतलब है कि 75% का हम अगर 40% निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्लांट के अंदर कितनी परसेंट पीआर जो है वो एब्जॉर्ब हुई है. एक और बार समझना, टोटल रेडिएशन आ रही है कितनी, 100%. 100% रेडिएशन में से सारी की सारी रेडिएशन प्लांट के अंदर इंटरसेप्ट नहीं करती है, केवल कितनी करती है, 75%. कितने का लॉस हुआ, 25% का. साइंटिस्ट ने कहा कि भाई जो टोटल रेडिएशन होती है उसका 40-44% क्या होती है, पीआर होती है. यहां पर हम मान रहे हैं कितनी पीआर होती है, 40% होती है. कितनी होती है, 40%. अगर मान लीजिए 100 रेडिएशन आ रही थी तो 100 रेडिएशन में से अगर मैं 40% निकालू तो कितना आएगा, अरे 100 का तो 40-40 ही होगा ना भाई. अगर मान लो 1000 है तो 1000 का 40% कितना हुआ, 400 हुआ. दैट इज क्लियर. अगर मैं यहाँ पर निकालू कि 75% का कितना जो है पीआर होगा, अगर टोटल रेडिएशन हम 75% मान रहे हैं तो उसका 40% निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि परसेंट एब्जॉर्बेड पीआर कितनी है. तो यहां पर अगर हम 75% का 30% निकालते हैं तो कितना आएगा, 75
हम यहाँ पर 14 75 का हमें कितना निकालना है, 40%, ठीक है, तो कितना आएगा ये 30%, तो एब्जॉर्बेड पीआर, ये यहां पर क्या आ गई, एब्जॉर्बेड पीआर, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि पीआर कितनी होती है, तब तो क्या करना है, 42-44, अगर वर्ड क्या लगे, एब्जॉर्बेड पीआर इन क्रॉप प्लांट कितनी आएगी, 30%, ये चीज समझ में आई क्या, टोटल रेडिएशन कितनी है, 100% है, प्लांट के अंदर कितनी एब्जॉर्ब हुई, 75, कितने का लॉस हुआ, 25 का, क्लियर है। हमने कहा कि पीआर के अंदर कितनी होती है, 42-44% होती है, यहां पर हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं, 75 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30%, ये चीज क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि परसेंट एब्जॉर्बेड पीआर न पूछकर आपसे पूछते किस एब्जॉर्बेड पीआर की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कितनी होती है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि परसेंट CO2 एफिशिएंसी ऑफ पीआर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में आप लोगों के लिए दे रहा हूं, एक है 10%, बी है 8%, सी है 6% और डी है 4%, क्या होना चाहिए बताओ, चलो ये आपको पता नहीं होगा, 4%। चलिए अभी हम देखते हैं, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो CO2 इफिशियंसी होती है पीआर की CO2 इफिशियंसी वो होती है 20%, कितनी होती है 20%, पीआर की CO2 इफिशियंसी कितनी होती है 20%, समझ में आया, इसका मतलब ये है कि जितनी पीआर आ रही है उसमें से 20% पीआर या 20% रेडिएशन ऐसी होती है जो क्या करती है, CO2 को फिक्स करती है, CO2 का रिडक्शन करती है, समझ में आया क्या, जैसे कि मान लो 100 रेडिएशन पीआर की आई है तो उसमें से 20 रेडिएशन ऐसी होगी जो क्या करेगी, CO2 को फिक्स करेगी या इसको रिडक्ट करेगी, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका रिडक्शन प्रोसेस में लेके जाएगी, ये चीज समझ में आई क्या। अब हमने यहां पर बात की जनरल, अगर आपसे पूछा जाए तो पीआर CO2 इफिशियंसी कितनी है, 20%, क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया है कि परसेंटेज CO2 इफिशियंसी ऑफ एब्जॉर्बेड पीआर, यहां पर ऑफ एब्जॉर्बेड पीआर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के अंदर जितनी एब्जॉर्बेड हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, CO2 इफिशियंसी निकालनी है, एब्जॉर्बेड कितनी हुई है, टोटल 30% हुई है, तो इस 30% का हम क्या निकालेंगे, 20 निकालेंगे, तो 30 × 20/100 कितना आएगा, 6%, कितना आएगा, 6%, क्लियर हुआ। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पीआर की CO2 इफिशियंसी कितनी है, 20%, यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए CO2 इफिशियंसी ऑफ परसेंट एब्जॉर्बेड पीआर, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, आंसर होगा 6%, कैसे निकाला, 30 × 20/100 क्या आएगा, 6%, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हम क्रॉप प्लांट्स की बात करते हैं, एक नोट लगा के याद रखना है, ठीक है, फील्ड कंडीशन के अंदर जो C4 प्लांट्स होते हैं उन C4 प्लांट की परसेंट CO2 इफिशियंसी ऑफ एब्जॉर्बेड पीआर जो है 3-4% होता है, कितना होता है, 3-4%, और मोस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स की जो है वो होती है केवल 1-2%, ठीक है। यहां से क्या पॉइंट से याद रखने, एक बार वापस समझिएगा, ठीक है, हमने कहा था कि टोटल रेडिएशन के अंदर कुछ रेडिएशन ऐसी होती है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, जिनकी तरंग दैर्ध्य जिनकी वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है, या 0.4 माइक्रोन मीटर से 0.7 माइक्रोन मीटर होती है, क्लियर है। पीआर के अंदर एक विब्जोर होता है, विब्जोर के अंदर रेड लाइट भी होती है और ब्लू लाइट भी होती है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी है, रेड लाइट है।
दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? ब्लू लाइट। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सी लाइट का होता है? ब्लू लाइट का। सेकंड नंबर पर कौन सी है? रेड लाइट। उसके बाद एक क्वेश्चन है, परसेंट ऑफ पीआर एब्जॉर्बेड बाय टॉप क्रॉप कैनोपी ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन, कि टोटल सोलर रेडिएशन का कितना परसेंट जो है क्रॉप कैनोपी एब्जॉर्ब करती है? किसको? पीआर को। हम जानते हैं कि जो टोटल रेडिएशन होती है उसमें पीआर कितने परसेंट होती है? 42-44% होती है। हमें ऑप्शन देखना है क्या दिया गया है, 44 दिया है तो हमें 44 को टिक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके पीपीजी 2022 के अंदर पूछा गया था, इसका राइट आंसर कितना है? 30% है। 30% राइट आंसर क्यों हमने माना? क्योंकि हम जानते हैं कि सन से आने वाली रेडिएशन अगर 100 होती है तो जो क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो कितनी होती है? केवल 75%। इसमें से कुछ रेडिएशन ऐसी होती है जो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, यानी क्रॉप प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड बैक माना जाता है कि भाई कितनी है? 25%, यानी लॉस कितना हो गया? 25%। एंटर कितनी करी? केवल 75%। दैट इज क्लियर। अब हमें देखना है कि टोटल रेडिएशन हमारे पास कितनी है? 75 है, ठीक है। तो 75 का हमें क्या निकालना है? पीआर परसेंटेज निकालना है, यानी इसका 40% निकालना है। जब 40% निकालते हैं तो कितना जाता है? 30%। यानी जो प्लांट के अंदर टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है उसके अंदर पीआर कितना है? 30%। ये चीज क्लियर हुई क्या? अब क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए कि पीआर है, तो पीआर किसमें पार्टिसिपेट कर रही है? क्रॉप प्लांट के अंदर होने वाले फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रही है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? CO2 का रिडक्शन होता है। क्लियर है? ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 रेडिएशन क्या है आपके पीआर की है, तो इसमें से केवल 20% रेडिएशन ही क्या करती है? CO2 को रिडक्ट करने का काम करती है। ये चीज समझ में आई? हमारे पास टोटल पीआर कितनी है? 30 है। 30 का अगर हम 20% निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6%। ये चीज क्लियर है क्या? अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि पीआर की CO2 एफिशिएंसी कितनी होती है? 20% होती है। लेकिन हम बात करें कि CO2 एफिशिएंसी ऑफ परसेंट एब्जॉर्बेड पीआर, यहां पर वर्ड क्या लग रहा है? एब्जॉर्बेड पीआर। तो उसको कैसे निकालेंगे भाई? एब्जॉर्बेड पीआर तो कितनी थी? 30 थी। इसका CO2 एफिशिएंसी कितना होता है? 20 होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6% आएगी। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए C4 प्लांट्स की कितनी होती है, तो C4 प्लांट्स की 3-4 होती है, जबकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट पूछा जाए तो कितनी होती है? 1-2% होती है। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, मेजरमेंट ऑफ पीआर, कि पीआर को जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? पीआर मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? क्वांटम सेंसर के द्वारा। किसके द्वारा? क्वांटम सेंसर के द्वारा। समझ में आया यहां तक? इसके बाद में अगली जो रेडिएशन आती है उसका नाम है इंफ्रा रेड रेडिएशन। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफ्रा रेड रेडिएशन का मेजरमेंट जो है हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं? ठीक है, तो याद रखना है मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट बाय, आपने सुना होगा इंफ्रा रेड थर्मोमीटर, इंफ्रा रेड थर्मोमीटर। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंफ्रा रेड रेडिएशन को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं, तो इंफ्रा रेड थर्मोमीटर। क्लियर है? पीछे क्या लग रहा है? थर्मोमीटर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसको भी मेजर करेगा, टेम्परेचर को भी ये मेजर करेगा। इंफ्रारेड थर्मोमीटर एकमात्र ऐसा थर्मोमीटर है जो क्रॉप प्लांट को बिना छुए उनका टेम्परेचर क्या कर लेता है? डिटरमाइन कर लेता है, उसको पता लगा लेता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द कैलकुलेटिंग या डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स विदाउट टच, यानी बिना टच किए क्रॉप प्लांट्स का टेम्परेचर कितना है, उसको किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पता लगाया जाता है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा। तो एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स विदाउट कॉन्टेक्ट। ये चीज क्लियर हुई? दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है और क्रॉप प्लांट का जो टेम्परेचर है विदाउट कॉन्टेक्ट किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? ये चीज क्लियर है? इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि आपको याद रखना है, यदि हम बात करें थर्मल इफेक्ट, यानी जो थर्मल इफेक्ट कोज होता है वो कौन कौन सी रेडिएशन कोज करती है, तो याद रखना है तीनों रेडिएशन, यूवी रेज भी करती है, पीआर भी करती है और आपकी इंफ्रारेड
रेडिएशन भी करती है, ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस में केवल कौन सी पार्टिसिपेट करती है, पीआर करती है। थर्मल इफेक्ट, तीनों चीजें यानी टेम्परेचर बढ़ाने का काम जो है वो तीनों रेडिएशन करती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कौन पार्टिसिपेट करती है, पीआर करती है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर जो है ये मीजर करता है, मीजर द रेडिएशन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 1010 नैनोमीटर। रेडियन रेडी के अंदर नैनोमीटर की जगह वहां मिलीमीटर दिया हुआ है जो गलत है, ठीक है। रेडिएशन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 1010 नैनोमीटर की बीच की रेडिएशन को कौन सा मीटर मीजर करता है, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 400 नैनोमीटर से 1010 नैनोमीटर की बीच की रेडिएशन को कौन मीजर करता है, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ठीक है। ये मीजर करता है, मीजर एट 20 नैनोमीटर इंटरवल। कितने मीटर के नैनोमीटर के इंटरवल पर, 20 नैनोमीटर के इंटरवल पर। इसका मतलब यह हुआ कि 400 से 420 नैनोमीटर के बीच में कितनी रेडिएशन है, 420 से 440 नैनोमीटर के बीच में कितनी रेडिएशन है, 440 से 460 नैनोमीटर के बीच में कितनी रेडिएशन है, ठीक है। अगर ये चीज याद रहे तो ठीक है, वरना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर का आविष्कार जो है वो किस इंस्टीट्यूट ने किया है, तो याद रखना है डेवलप बाई इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब हुई है भाई, 15 अगस्त 1969, जो कि कहां पर है, बैंगलोर। और बैंगलोर कौन से स्टेट में आता है, कर्नाटक, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है, एक बार इसको लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पीआर समझ में आया या नहीं आया भाई, इधर पास हीरो समझ में आया नहीं, अरे शर्मा मत यार भाई, चलो लिखो लिखो लिखो, लिख लिया विष्णु जी, सोलर कॉन्स्टेंट का नाम सुना है क्या आपने, सोलर कॉन्स्टेंट नहीं सुना, और किसका नाम सुना है, आप लिखो जी, है ना, रुको मत अभी बताएंगे। इन फोटोसिंथेसिस रेड लाइट मोर कंपेयर टू ब्लू लाइट। जो बच्चे ऑनलाइन है आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, पूछ लेना। वरुण भूपिन गोपाल मीना, अरे गोपाल जी कहाँ हो, पूनम धायल मोहित मीना दिव्या चौहान विकास नागर, चलो लंबी कतार है। चलिए लिख लिया, लिख लिया ना भाई, पीछे वाले बच्चे अगर ये लिखे, चलो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा, चलो एक बार और वापस मैं इसको बना देता हूं। हाँ वापस ऐसा ही बना देंगे। क्या हुआ,
एक बार के लिए ये लिखो, आगे वाली स्लाइड नहीं है, नहीं है मेंशन, चलो टोटल रेडिएशन 100%, इंटरसेप्टेड रेडिएशन कितनी है 75%, लॉस कितने का हुआ 25%। क्वेश्चन है परसेंट CO2 एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्बेड PR, राइट आंसर 6%। C4 प्लांट्स के 6 नाम बताइए, सुगर कैन इसके अलावा, ठीक है, सुगर कैन, मेज, परमलेट और सोरगम, इन चारों के अलावा जो है 3 नाम और बताइए। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल कैम प्लांट है, ठीक है, चलो कोई ना, अभी आप ये लिख लो, लिख लिया, ये लिख लिया क्या? क्या बोल रहे हो प्रतीक्षा? पान, अच्छा, पैनिकम एम्प्रेंटस और नेपियर है ना, पैनिकम एमेरेंथस और नेपियर, ठीक है, ये लेकिन सारे वीट नहीं है ना, लिख लिया? परसेंट एब्जॉर्बेड PR 30% ही तो है दिव्या चौहान, और PR जो है 40% है। क्या हुआ, नहीं आया समझ में? लिखा पीछे, अभी चल रहा है पेन, PR CO2 एफिशिएंसी अगर पूछा जाए तो 20%, CO2 एफिशिएंसी ऑफ परसेंट एब्जॉर्बेड PR पूछा जाए तो 6%। फोर्टी फोर लिखाया था लेकिन यहाँ पर हम 40 कंसिडर कर रहे हैं, रेंज जो है वो 40 से 44% होती है, एग्जैक्ट 40% हमने इसलिए लिखा है क्योंकि विबजोर के अंदर जो है कुछ रेडिएशन होती है वो वापस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो PR की कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है, तो इस वजह से जो एग्जैक्ट है वो 40% है, ठीक है, लेकिन बुक्स के अंदर जो है वो 44% दिया हुआ है एग्जैक्ट, और इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन क्रॉप के अंदर जो है 40% है, और एवरेज में उन्होंने 28% भी लिखा हुआ है, लिखा ये आगे देखो। आप में से किसी को पता है क्या, अगर कोई व्यक्ति अर्थ से सन पे अगर जाना चाहे तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? पृथ्वी से 150 मिलियन, 150, पहले ये लिखिए क्या, C4 प्लांट्स की जो है परसेंट CO2 एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्बेड PR 3-4%, मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स की 1-2%। देखो एग्जिट अगर निकाला जाए तो 6% आएगी, लेकिन हम फील्ड कंडीशन के अंदर अगर जाते हैं और देखते हैं इसको एक्चुअल में तो ये कितनी होती है 3-4% होती है,
और मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स के अंदर ये वैल्यू जो है C3, C4, M सबका एवरेज निकाले तो कितनी आती है, 1-2% आती है। 8 लाख किलोमीटर, बस इतनी सी दूरी तय करना पड़ेगा। पृथ्वी से सूर्य जा ही नहीं सकता। वेरी गुड, लिखा यहां तक। चलिए अब शांत। सन से और अर्थ के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं तो होती है 150 मिलियन किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, पड़ेगी ना कितनी होती है 150 मिलियन किलोमीटर। जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यानी लेंथ की बात कर रहे हैं, और लेंथ जब होती है तो मीटर में, एरिया अगर पूछा जाए तो मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो मीटर क्यूब में। समझ में आई बात? तो यहां पर ये किसमें होगी? अरे भाई 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10^6, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक। यदि मैं इस मिलियन की जगह 150 इंटू 10^6 किलोमीटर लिख सकता हूं, 150 इंटू 10^9 मीटर लिख सकता हूं, ठीक है, या 150 इंटू 10^11 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, या 1.50 इंटू 10^13 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको याद रखना है सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर होती है। ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कोई रेडिएशन अगर मान लीजिए सन से कहां पर पहुंचती है? अर्थ पर पहुंचती है, तो इसको कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो वन रेडिएशन को पहुंचने में जो है 8 मिनट 20 सेकेंड्स, और यदि सेकेंड्स में पूछा जाए तो वेरी गुड, कितना? 500 सेकेंड। ये 500 सेकेंड्स कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं कि एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं, तो 8 मिनट में कितने होंगे? 480 सेकेंड। 20 सेकेंड और ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 500 सेकेंड। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन जो है इक्विनोक्स, सोलास्टिस और एपीएलियन और पेरीएलियन से पूछे जाते हैं, उसको हम समझते हैं। अभी हमने कहा कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, दैट इज क्लियर। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दिन आता है पूरे 365 दिन में जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है सबसे कम होती है, ठीक है, पेरिहेलियन इसे कहा जाता है, और ये जो डिस्टेंस होती है वो 147 मिलियन किलोमीटर होती है, ठीक है, और सबसे दूर जो है उसे कहते हैं हम एपीहेलियन या एपीएप्सिस, और ये जो होता है इसकी डिस्टेंस 152 मिलियन किलोमीटर। पेरिहेलियन को हम पेरिएप्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। पेरिहेलियन का मतलब होता है कि हेलियन यानी सन के पास में है, ठीक है। एपीहेलियन का मतलब होता है सन से दूर। एवरेज कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए पेरिहेलियन में सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 147 मिलियन किलोमीटर। दूर कब होती है? दूर होती है तो कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। ये चीज क्लियर है। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिहेलियन फिनोमिना जो है ईयर के कौन से दिन घटित होता है तो याद रखना है 31 दिसंबर। कितने दिसंबर को? 31 दिसंबर को, और ये होता है आपके 3 जुलाई को। यदि आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पर ये वैल्यू जो है अलग दी गई है, 31 दिसंबर को 3 जुलाई शो किया गया है, 3 जनवरी शो किया गया है, और जुलाई को जो है 4 जुलाई दिया गया है। लेकिन अपने रेडी एंड रेडी या एसआर रेडी वाली बुक्स में, रेडी एंड रेडी में मेंशन नहीं है, एसआर रेडी की बुक है एग्रोमेटोलॉजी की, उसके अंदर 31 दिसंबर और
इसको 3 जुलाई मेंशन किया गया। तो हमें अगर कोई रेफरेंस अभी अगर लगाना होगा तो हमारे आईसीआर जो है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसको राइट मानता है। तो पेरिहेलियन कब होता है? 31 दिसंबर को। यानी 31 दिसंबर जो है 365 में से ऐसा दिन होता है जब सन और अर्थ बिल्कुल पास आते हैं, यानी उनके बीच में कम से कम दूरी होती है। कम से कम दूरी कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन, यानी पी का मतलब पास आना। कितने पास आ जाएंगे? 147 मिलियन किलोमीटर उनके बीच में डिस्टेंस रहेगी। एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर। एक रेडिएशन को अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 500 सेकेंड लगते हैं। ये भाई बताएगा कि एपिहेलियन जो है वो, उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। और कब होता है? 3 जुलाई को। ये चीज समझ में आई क्या? ये दोनों फिनोमिना से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो डिस्टेंस से लेकर पूछा जा सकता है, या फिर ये कब घटित होते हैं। दिसंबर में सर्दी होती है लेकिन पास में आते तो गर्मी नहीं होती है। इसका रीजन अभी हम समझते हैं। सोलास्टिस और इक्विनॉक्स को हम समझेंगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अभी समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है सोलास्टिस। सोलास्टिस के अंदर जो है इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इक्वेटर के अंदर दो कंडीशन होती है, डी का मतलब है यहां पर डे और एन का मतलब है नाइट, ठीक है। पूरे 365 दिन में से अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में है? नॉर्थ पोल में। यानी इंडिया हमारा कहाँ है? नॉर्थ पोल में है, ठीक है। ये चीज समझ में। भारत के अंदर या पूरे नॉर्थ पोल के अंदर एक ऐसा दिन होता है जब दिन जो है, डे जो है वो बड़ा होता है और एन जो है यानी नाइट जो है छोटी होती है। डे का मतलब, डी का मतलब क्या है? डे। डे तो क्या होगा? बड़ा। और एन क्या होगा? छोटा। समझ में आया? यानी 24 आवर्स में जो है जो सनसाइन हावर्स होते हैं वो ज्यादा होंगे, जबकि जो नाइट के अंदर जो हावर्स होते हैं वो क्या रहेंगे? छोटे होते हैं। यानी दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। तो ये किस तारीख को होता है और कब होता है? 21 जून को। कैसे याद रखना है कि भाई गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ जाते हैं? नानी के वहां जाते हैं, मामा जी के वहां जाते हैं। और मामा जी के वहां जाते हैं तो दिन क्या होता है? बड़ा होता है। गर्मियों की छुट्टियां कब लगती है? जून में लगती है। तो याद रखना है ये जो फिनोमिना है वो कब होता है? 21 जून को। और 21 जून में सर्दियां पड़ती है, गर्मियां पड़ती हैं? गर्मियां पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? समर सोलास्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समर सोलास्टिस कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में डे छोटा और नाइट लंबी, यानी दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती है। तो ये जो है इसका 21 दिसंबर आपको राइट आंसर याद रखना है, 21 दिसंबर, ठीक है। और ये होता है, और इसको हम बोलते हैं विंटर सोलास्टिस। सोलास्टिस का मतलब क्या होता है? कि या तो दिन बड़ा होगा या नाइट छोटी होगी, या नाइट बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। यदि हम इंडिया की बात करें या नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो डे कब बड़ा होता है और रातें कब छोटी होती है? 21 जून को। और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? समर सोलास्टिस। डे छोटा और नाइट बड़ी कब होता है? 21 दिसंबर को। इसे क्या कहा जाता है? विंटर सोलास्टिस कहा जाता है। इसका रिवर्स जो है, इन सबका रिवर्स जो है वो किसमें होता है? रिवर्स किस में होगा? साउथ पोल के अंदर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ पोल के अंदर सबसे बड़ा दिन जो है वो किस तारीख को होगा? 21 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून को। ये चीज क्लियर है क्या? इसे कहा जाता है सोलास्टिस। समझ में आया? अभी हम इसकी लैंग्वेज भी लिख लेंगे कि इसको कैसे लिखना है। इसके बाद एक टर्म होती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, इक्वल ऑफ द डे एंड नाइट। यानी दिन के जितने हावर्स हैं वो किसके बराबर हैं? नाइट के। यानी 24 हावर्स में 12 हावर क्या है? सनसाइन हावर है, और 12 हावर क्या होती है? नाइट होती है। तो ये फिनोमिना भी जो है पूरे 365 डेज के अंदर दो दिन घटित होता है। एक होता है ये 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। बसंत ऋतु की अगर मैं बात करता हूं तो बसंत ऋतु कब आती है? मार्च में, फरवरी या मार्च के महीने में आती है। और फरवरी या मार्च वाले जो बसंत ऋतु है उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है?
स्प्रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रिंग, स्प्रिंग। गंगानगर वाले क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, नहीं बोलते, सॉरी, चलो स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। चलिए 23 सितंबर को जो है ओटोमन इक्विनॉक्स कहा जाता है, ठीक, क्योंकि सितंबर वाला महीना क्या कहलाता है? पतझड़ का महीना कहलाता है, और पतझड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओटोमन बोलते हैं। ओटोमन इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? ओटोमन यानी 23 सितंबर। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? डे और नाइट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओटोमन इक्विनॉक्स कितनी तारीख को होता है? 23 सितंबर को। ओटोमन इक्विनॉक्स का मतलब क्या है कि 23 सितंबर को डे और नाइट की जो लेंथ है वो दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। अगर आपसे पूछा जाए स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? 21 मार्च को डे और नाइट की जो डे लेंथ है और नाइट लेंथ है वो दोनों क्या होती है? बराबर होती है। इसे क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स कहा जाता है। समझ में आया क्या? होता क्या है, मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है। भरतपुर अलवर वाली बात का अगर हम करते हैं तो वो व को ब बोलते हैं, ठीक है। यदि हम मारवाड़ की बात करते हैं तो स को ह बोलते हैं, ठीक है। च को स बोलते हैं, ठीक है। चाय को साई बोलते हैं, सड़क को हड़क बोलते हैं, है ना, एक बार आप देख लेना, ठीक है, बोलते हैं। तो ये तो हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो आप सर्च कीजिए आप क्या बोला जाता है, डिस्कवरी कीजिए, ठीक है। अभी तक केवल यही डिस्कवरी हो पाई है, ठीक। सोलास्टिस का मतलब क्या होता है? सोलास्टिस का मतलब क्या होता है? एक चीज बड़ी और दूसरी चीज छोटी, ठीक है। एक बार आप इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसको? ये लास्ट, हाँ जी, ये जी। अच्छा ये नहीं लिखा था क्या? चलो इसको लिखिए। अच्छा ये भी नहीं लिखा था, चलो लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना, 5 मिनट है आपके पास ना, जल्दी। इस स्लाइड के लिए नहीं है, वो सारी स्लाइड्स के लिए। चलो लिखो लिखो, आराम से लिखो। पीआर का मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है? क्वांटम सेंसर। इंफ्रारेड रेडिएशन का मेजरमेंट, इंफ्रारेड थर्मोमीटर का एक और क्या यूज है? कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करता है विदाउट कॉन्टेक्ट, ठीक है। थर्मल इफेक्ट के लिए कौन कौन सी रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल है? यूवी, पीआर और आईआर। टोटल इनकमिंग रेडिएशन को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? पाइरेनोमीटर, ठीक है। शेडिंग रेडिएशन को जो है वो किस, या स्काई रेडिएशन या स्केटर्ड रेडिएशन या डिफ्यूज रेडिएशन को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? शेडिंग पाइरेनोमीटर, वेरी गुड। मतलब यार पढ़ते हो यार तुम? नहीं सर, नहीं पढ़ते। अच्छा मेमोरी अच्छी है यार। कोने ऑफ एक्सपीरियंस जानते हो क्या होता है? क्या होता है कोने ऑफ एक्सपीरियंस? पहले ये लिखते रहो, साथ में लिखो, कोने ऑफ एक्सपीरियंस। चलो एक्सटेंशन के अंदर आप पढ़ोगे कि जितना हम देखते हैं उसका कितना परसेंट ग्रहण होता है, पढ़ते हैं उसका कितना होता है, उसको हम कोने ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक। वो भी लिखना अभी, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन लिख लो, उसके बाद में स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर वाली भी स्लाइड लिखेंगे। सन का एवरेज टेम्परेचर भी हम बात करेंगे ना। सन का एवरेज टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री केल्विन होता है, या 5700 कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। अभी समझेंगे, इच्छा है? इच्छा है क्या? गलत। चलो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर।
रेडिएशन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 1010 नैनोमीटर। रेडिएशन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 1010 नैनोमीटर मेजर्ड एट 20 नैनोमीटर इंटरवल डेवलप्ड बाय इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 बेंगलोर कर्नाटका। 15 अगस्त पीछे वाला यार नहीं रतन, तुम्हें जब IRI के अंदर ए का मतलब क्या है उसमें तुम कंफ्यूजन हो जाते हो। अच्छा तो तेरा क्या विचार है, वो जो शादी किया हुआ है वो टूटे? चलो लिखो। आर्य समाज को ज्वाइन कर लो तुम, ऐसा करो। या भी एक बाबा फेमस है हरियाणा के अंदर, बाबा रामपाल जी, वहां ज्वाइन कर लो। लिखा अरे ओ बात नहीं लिख लिया। क्या ये भी लिख, ये लिख लिया था। ये लिख लो, एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे। एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। छह हजार डिग्री कहते हैं, 6000 में से 273 माइनस करते हो तो कितना आता है? 6000 में से 273 को माइनस करना है। एक बार तू थोड़ा गणित में मेरे ख्याल से कमजोर है, वापस जा। 5727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक और लिख लेना, सी का अगर पूछा जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस, और अर्थ का अगर पूछा जाए तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर भी लिख लेना, सन का 6000 डिग्री केल्विन या 5727 डिग्री सेल्सियस, सी का जो है 23 डिग्री सेल्सियस, अर्थ का जो है 15 से 17 डिग्री सेल्सियस। वन रेडिएशन टेक 8 मिनट 20 सेकंड रीचिंग टू अर्थ सरफेस। किलोमीटर लिख लीजिए एक बार इसको। सी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 23 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का कितना है? 15 से 17 डिग्री सेल्सियस। सन का डिग्री केल्विन में कितना है? 6000 केल्विन। और यदि डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 5727 डिग्री सेल्सियस। लिखा, लिखो लिखो लिखो। लिखो लिखो। अभय और पीछे जो 3-4 लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, बातें मत करो यार।
डिस्कस मेरे को पता है तुम्हारा डिस्कशन, ठीक है सर, वो सी का 23 डिग्री सेल्सियस, क्या सी का 23 डिग्री सेल्सियस, हाँ लिखा, पेरिहेलियन और पेरिएप्सिस, एपिहेलियन और एपिएप्सिस, 31 दिसंबर 3 जुलाई, कुछ बुक्स के अंदर ये 3 जनवरी मेंशन है, लेकिन एसआर रेड्डी के अंदर 31 दिसंबर है, तो रेफरेंस बुक है वो, अगर क्वेश्चन आता भी है तो 31 दिसंबर आपको टिक करना है। एपिहेलियन या एपिएप्सिस 152 मिलियन किलोमीटर 3 जुलाई, पेरिहेलियन, पेरिएप्सिस, एपिहेलियन, एपिएप्सिस। अबे राठौड़, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अबे राठौड़ कौन है? कब किया जाता है? आईसीआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जुलाई। मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हैं? कब किया जाए? 23 मार्च को। वोटर डे 21st, पक्का 22 मार्च को। फॉरेस्ट 21 है, 22 वोटर है, ठीक। चलो लिख लिया क्या ये? वेरी गुड नीति, लिखा पीछे भाई को लिखने, लिखने दो, लिख लिए। सो लास्ट इज वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? विपरीत, है ना? दिसंबर में जो है 3 डे जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 3 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 3 दिसंबर को वुमेन इन एग्रीकल्चर, 5 दिसंबर को सोइल डे, 23 दिसंबर को फार्मर्स। क्या हुआ लास्ट में? वाइस वर्सा इन साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में जो चीजें घटित हो रही है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में जस्ट विपरीत होगी, ठीक है। हाँ बोलो, वाइस वर्सा इन साउथर्न हेमिस्फीयर या फिर साउथ, ये जो पार्ट है ना ग्लोब का, इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध लिख लो, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी इस गोले का जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इक्वेटर जो है दो भागों में डिवाइड कर रखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। लिखा? चलिए लास्ट है इक्विनोक्स, डे और नाइट इक्वल, 21 मार्च स्प्रिंग और वर्नल इक्विनोक्स और ऑटोमन इक्विनोक्स। एक दो पॉइंट और लिख लेना,
सनसाइन हावर मीजर बाय फोटोकेमिकल सनसाइन रिकॉर्डर चैम्बेल सनसाइन रिकॉर्डर यूज किया जाता है इंडिया में। स्प्रिंग और वर्नल, हाँ स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। सनसाइन हावर मेजर्ड बाय दी फोटोकेमिकल सनसाइन रिकॉर्डर जो यूएसए के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में बात करें तो चैम्बेल सनसाइन रिकॉर्डर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक को दो और लिख लो, लक्स जानते हो क्या है? वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे थे कि लक्स साबुन है जिसके अंदर कैटरीना कैफ उसका ऐड करती है, और लक्स साबुन के बीच में सोने का सिक्का आता है और अधिकतर दुनिया के जो लोग है उसको इसलिए खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन लक्स जो है एक यूनिट है, इट इज द ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। ओल्डेस्ट यूनिट मीजर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। क्या हुआ? सनसाइन हावर किसके द्वारा मेजर किए जाते हैं? दो इंस्ट्रूमेंट हैं। इंडिया के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? चैम्बेल सनसाइन रिकॉर्डर। यूएसए के अंदर फोटोकेमिकल सनसाइन रिकॉर्डर। आइंस्टीन किसको, वन आइंस्टीन बराबर क्या होता है? वन मोल ऑफ फोटोन होता है। लक्स किसको मेजर करता है? इट इज द ओल्डेस्ट यूनिट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आज किस क्लास को हम यहाँ तक ही रखते हैं, कल पढ़ते हैं इसके आगे।